हेलो दोस्तों, मैं मनीष वर्मा आपका स्वागत करता हूँ मनीष के ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारे जो बर्ड्स हैं, एक तो है डॉक्टर बर्ड और दूसरे है बजीज़। तो इन्होंने अभी बच्चे दिए हैं, 3 अंडे दिए थे, उनमें से बच्चे निकल चुके हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। देखिए, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या खाते हैं और कैसे इनकी ग्रोथ होती है अच्छे से, और जो जैसे कि पेयर बनाते हैं अगर वो अंडे नहीं दे पा रहे हैं, और आपके जो बजीज़ हैं उन्हें काफ़ी टाइम हो गया है और वो अंडे उन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं, तो किस क्या खिलाने से जल्दी अंडे देंगे और अच्छी से ग्रोथ होगी, और अगर उनमें कैल्शियम की कमी है तब भी प्रॉब्लम आती है अंडे की, जो कि वो जल्दी अंडे नहीं दे पाते, तो अभी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, एक है हमारी डॉक्टर बर्ड, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। यह ऑस्ट्रेलियन बर्ड भी होती है, इसे डॉक्टर बर्ड भी कहते हैं, ठीक है। और इन्हें जो आप खाना देंगे, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है टोया कंगनी, ये दाना आएगा इस तरह का, और इस तरह के दाने में इसमें वीटा पार्केट फार्मूला है, कंप्लीट पैट फूड है, ठीक है। ये आप दोनों को दे सकते हैं, डॉक्टर बर्ड को भी और बजीज़ को भी, ठीक है। और ये किसी भी एनिमल शॉप से आप ले सकते हैं, और जो इसका प्राइस होगा 180 इसका प्राइस है। ये आपको डिस्काउंट के बाद, अगर आपका जो एनिमल शॉप वाला है डिस्काउंट देता है, तो आपको वही पड़ेगा 150 समथिंग का पड़ जाएगा आपको। और ये दोनों खा सकते हैं, पैरट भी और बजीज़ भी, और आपकी डॉक्टर बर्ड भी, ठीक है। और ये इसका जो नेट वेट है वो है 1 किलो है, और आप ये ज़रूर देख के लीजिएगा, ये मेड इन इंडिया होना चाहिए, मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए, ठीक है। नियर बाय आपको किसी भी एनिमल शॉप पे मिल जाएगा। बाकी फूड के लिए हम क्या क्या खिलाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मेन जो इनको हाई प्रोटीन वाली चीज़ होती है, ऐसा नहीं है खाली ये दाना ही चलता है इनका, दाने के अलावा भी घर की सब्जियाँ भी खाते हैं ये, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या सब्ज़ी आपको देनी है। और जो हमारे दूसरे बजीज़ के लिए हैं, जिन्होंने अभी अंडे दिए हैं और उसमें से बच्चे निकल गए हैं, तो उनके लिए मेन जो हाई प्रोटीन वाला चलेगा वो है ये सूरजमुखी के बीज, ठीक है। ये है सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज, ये भी आपको देने, जो इसकी MRP होगी सनफ्लावर के बीज हैं, ये देख लीजिए, ये भी समथिंग इतने के ही आएंगे 180 के, और डिस्काउंट के बाद आपको वही 150 या 160 के पड़ेंगे। ये आपको नॉर्मली इसका जो साइज़ होगा और वेट होगा वो 400 ग्राम है, 400 ग्राम इसका वेट है, ठीक है। ये आप 15-15 ग्राम दे सकते हैं एक दिन में, 10-15 ग्राम जो इनकी कैपेसिटी है, उससे ओवर नहीं देना है। और अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसने सुबह और शाम दीजिए बस। बाकी मैं आपको गाइड करता रहूँगा क्या क्या आपको घर के खाने में इनको खिलाना है।